Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali here. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Hyundai IPO. Hyundai IPO जो कि अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि सब्सक्रिप्शन के लिए आने वाला है. हम इस वीडियो में बात करेंगे Hyundai India कंपनी के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में. उसके बाद हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स जो खुद Hyundai कंपनी ने सेबी के सामने रखे हैं अपना ये IPO लेके आने के पहले. उसमें से जो क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स है जो हमें एज एन इन्वेस्टर पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हमारा डिसीजन डिपेंड करेगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद हम देखेंगे पीयर कंपैरिजन ऑफ Hyundai, देन हम देखेंगे कि क्या फाइनेंशियल्स है कंपनी के एंड क्या प्राइसिंग है जिसपे कंपनी IPO लेके आती है तो वो फेयर वैल्यूएशन पे होगा, और किस प्राइसिंग पे अगर लेके आती है तो वो ओवर वैल्यूएशन होंगे. उसके बाद हम ओवरऑल इंडस्ट्री ओवरव्यू देखेंगे कि इंडियन मार्केट में ऑटो सेक्टर कैसा करने वाला है, एंड Hyundai के इस IPO के बाद Hyundai कंपनी के ग्रोथ के कितने चांसेस हैं, एंड एट द एंड वी वुड स्ट्रेटेजाइज कि हमें इस IPO में अप्लाई करना है नहीं करना है, किस टर्म के हिसाब से करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये सारी चीजें हम देखेंगे. बट ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, और ये स्टोरी है सेंट्रो यानी Hyundai के ही एक प्रोडक्ट के बारे में. सो ये बात है 1990s की, जब Hyundai ने ये डिसाइड करा. मैं आपको बता दूं Hyundai एक साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है. सो व्हेन दे डिसाइडेड कि उनको इंडियन मार्केट में एंटर होना है, दे रियलाइज कि इंडियन मार्केट्स में जितनी अपॉर्चुनिटी है उतना ही कॉम्पिटिटिव इंडियन मार्केट है. एंड ऑब्वियसली एट दैट टाइम देयर वर सम एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स लाइक मारुति सुजुकी जो बहुत अच्छा अपना पहचान बना चुकी थी ऑलरेडी. सो दे डिड अ मार्केट सर्वे, एंड मार्केट सर्वे में उस टाइम के इंडिया में जो उनको लोगों की रिक्वायरमेंट लगी वो थी कि लोगों को फ्यूल एफिशिएंट, अफोर्डेबल एंड कॉम्पैक्ट साइज की कार की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उस टाइम पे एक नया भारत उभर के आ रहा था वेयर इन पीपल वर एम्बिशियस, वेयर पीपल वॉन्टेड टू हैव अ कार, मॉडर्न इंडिया का एवोल्यूशन हो रहा था. बट द प्रॉब्लम वॉज कि नॉट एवरी वन कुड अफोर्ड द कार, इट वॉज अ लग्जरी आइटम. At that point of time, it was a big luxury item. So then they came up with this Sentro, and Sentro की जो उन्होंने positioning की market में, they called it as the tall boy, जो दिखाता था कि वो कितनी comfortable है अंदर से, although compact in size होने के बाद भी. And then second they positioned it as a symbol for the modern and ambitious India. And Sentro no doubt बहुत successful car रही, इसने बहुत अच्छे prizes बहुत सारे जीते और बहुत ज़्यादा इसकी sales हुई. So this story shows कि Hyundai somehow knows how to capture a competitive market. अब ये IPO क्या लेके आ रहा है हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर कितना अच्छा होगा, आगे वाले टाइम में कितना अच्छा Hyundai कर पाएगा, ये सारी चीजों का एक बेसिक एवेल्युएशन हम इस वीडियो में करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो Hyundai का IPO आ रहा है ये 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इसके जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जाएगा प्रमोटर्स को. सो इससे जो पूरा पैसा जनरेट होगा वो जाएगा साउथ कोरिया में इन ओनर्स के पास. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंपनी इंट्रो. बेसिकली आप सबको पता होगा एस्टैब्लिश्ड इन 1996 और ये मेनली फोर व्हीलर व्हीकल में है. सो दे आर थर्ड लार्जेस्ट ऑटो OEM मैन्युफैक्चरर. व्हाट इज OEM? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. Hyundai ऑफकोर्स इज इनटू द सेल्स ऑफ सेडान्स, हैचबैक्स, SUVs एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट इनका जो मेजर जिसमें इनकी डोमिनेंस है मार्केट में दैट इज SUVs. तो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो दिखा रहा है मेजर सारी ब्रांड्स जो Hyundai सेल कर रहा है, जो मार्केट में अच्छा पोजिशनिंग है जिसकी. एंड एज ऑफ December 31, 2023 Hyundai ने 363 डीलर कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स इन इंडिया. सो ऑब्वियसली देयर फोकस राइट नाउ इज इंडियन मार्केट्स. दे आर इनटू एक्सपोर्ट्स एज वेल, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कंट्रीज वेयर दे एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट. नाउ दिस वॉज द बेसिक इंट्रो जिसमें से मेजरली आपको पता ही था सब कुछ. नाउ लेट्स लुक एट द रिस्क फैक्टर्स जो कंपनी ने खुद हाईलाइट किए हैं सेबी को, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कोई भी कंपनी जब IPO लेके आती है उन्हें एक DRH पे ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना पड़ता है सेबी को, जिसमें दे हैव टू हाईलाइट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी इंक्लूडिंग द रिस्क फैक्टर्स जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एंड इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनके रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकती है. सो ये करीब 60 से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हाईलाइटेड थे, जिसमें से जो मुझे 10-15 इंपॉर्टेंट लगे जो आपको पता होना चाहिए दैट आई हैव समराइज्ड हियर. सो फर्स्ट नंबर पर डेफिनेटली है कि ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल लगता है लाइक रबर,
मेटल, इन सबके प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं एंड डेफिनेटली ये कंपनी के हाथ में नहीं है. और जब रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट होगा दो चीजें होगी, या तो एंड प्रोडक्ट का रेट वो कंपनी बढ़ा देगी एंड उनकी सेल्स अफेक्ट हो सकती है, या फिर वो एंड प्रोडक्ट का रेट ना बढ़ाए बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड वेरियस लॉस. बट इस केस में क्या होगा, उनकी जो बॉटम लाइन है वो अफेक्ट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी, राइट, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया लेकिन एंड प्रोडक्ट वो सेम रेट पे बेच रहे हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी और इससे डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के जो रिटर्न है वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स के रिटर्न इज डायरेक्टली लिंक विद द प्रॉफिट्स द कंपनी इज मेकिंग. के अलावा जो कंपनी है ह्युंडई इंडिया, इनकी वन ऑफ द सब्सिडियरीज एंड प्रमोटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सम लीगल प्रोसीडिंग्स, और इसका जो रिजल्ट आएगा और अगर वो इनके फेवर में नहीं आता है तो इट कैन एडवर्सली इम्पैक्ट देयर बिजनेस, देयर रेपुटेशन, देयर फाइनेंशियल कंडीशंस. इसके अलावा दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड एंड दे मे कंटिन्यू टू एंटर इनटू सम ट्रांजैक्शंस विद देयर पेरेंट कंपनी दैट इज ह्युंडई मोटर ग्रुप. जैसे इस आईपीओ के बाद में जो पैसा भी आने वाला है पूरा ह्युंडई मोटर ग्रुप के पास जाने वाला है पेरेंट कंपनी के, एंड दिस कुड हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर बिजनेस एंड ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इनका सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, दैट इज चेन्नई बेस्ड, एंड अगर वहां पे स्टेट डज नॉट सपोर्ट देम या कुछ भी अगर नेगेटिव होता है, दिस इज द ओनली प्लांट दे हैव, तो इससे पूरा इनका बिजनेस है वो इम्पैक्ट होगा. एंड दे करंटली डोंट हैव एनी प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू प्लांट इन इंडिया. इसके अलावा डेफिनेटली ऑटो सेक्टर बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, ऑल्दो कॉम्पिटिशन को पास्ट में हैंडल करा है जो स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई. टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत ज्यादा ये सेक्टर हो गया है. टू अपग्रेड टू मेंटेन देयर पोजीशन इन मार्केट और टू ग्रो दे हैव टू बी टेक सेवी एंड नए इनोवेशन के साथ आना पड़ेगा. ईवी अभी अगर आने वाले टाइम में ऑटो सेक्टर में आपको ग्रो करना है तो आपकी ईवी सेगमेंट में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए. एंड ईवी में अगर अभी हम देखें टॉप पे कौन चल रहा है इंडिया में, तो दैट इज टाटा मोटर्स. तो ह्युंडई हैज टू फेस अ टफ कॉम्पिटिशन. ईवी में अभी तक उन्होंने अपनी बहुत अच्छी कोई पोजिशनिंग की नहीं है. उन्होंने 1996 में जब इंडिया में वो एंटर हुए थे कुछ इक्विटी शेयर्स अलॉट किए थे जो अब ट्रेसिबल नहीं है, जिसको लेके फ्यूचर में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है. इसके अलावा कंपटीशन लॉ इन इंडिया कैन चेंज विच कैन अफेक्ट देम, क्योंकि वो इंडिया बेस्ड कंपनी भी नहीं है, साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में डिसरप्शंस हो सकते हैं जिससे उनके इंडिया के अंदर ही लॉजिस्टिक इश्यूज के कारण सेल्स अफेक्ट हो एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो जहां वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटीज है जो अगर मटेरियलाइज हो जाती है तो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी खराब हो जाएगी. फॉरेन रेट फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली उन्हें अफेक्ट करेंगे. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि पास्ट में उन्होंने नेगेटिव कैश फ्लोज भी विटनेस करे हैं एंड आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से उनके जो कैश फ्लो थे दैट वर नेगेटिव इन 2021-22-23. दिस शोज कि पेरेंट कंपनी कितनी भी ज्यादा एफ्लुएंट है, नॉट वेरी कैश रिच एंड दे फेस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कैश अगर उनकी सेल्स अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है तो. चेंजिंग रेगुलेशंस इन इंडिया कैन डेफिनेटली अफेक्ट देम. दीज वर द रिस्क फैक्टर्स व्हिच वर देयर. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी एंड व्हाट फाइनेंशियल्स टॉक अबाउट. सो अगर हम फाइनेंशियल्स देखें कंपनी के, सो ओवरऑल फाइन, बट अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखोगे, बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट सब कुछ देखोगे आप, कि 2023 was considerably a better year as compared to 2024. अगर हम liabilities देखें तो liabilities भी बड़ी है, अगर assets देखें कम हुई है, profitability भी कम हुई है as compared to 2023. ये अगर हम देखें तो definitely इनके अगर सबसे ज्यादा sales भी है, Hyundai achieved its highest ever domestic sales in India, reaching 6,02,000 units, which was a 9% year-on-year growth, and that was in 2023. Definitely that was the best year. उसके बाद 2024 इनका इतना अच्छा अभी तक नहीं रहा है जितना 2023 अच्छा था, बट इट इज nevertheless सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड. उसके अलावा अगर हम देखें इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो मारुति सुजुकी, टाटा, होंडा, महिंद्रा, एमजी, रेनॉल्ट, निसान, टोयोटा एंड किया. अब प्राइसिंग की बात करते हैं. आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा जो इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ इसकी प्राइसिंग की कंपैरिजन कर रहा है. सो सी फेस वैल्यू, क्योंकि ये अभी आईपीओ आ रहा है, इसकी फेस वैल्यू रहेगी 10. मारुति सुजुकी की करंटली फेस वैल्यू है 5, टाटा की है 2 एंड महिंद्रा की है 5. नाउ करंटली मारुति जो रेट पे ट्रेड कर रही है उसके हिसाब से हम उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन देखें तो इट इज 25,700. अगर टाटा का देखें फेस वैल्यू 2 एंड करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इट कम्स टू 4730.
एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा का फेस वैल्यू 5 एंड करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो इट कम्स टू 5574. तो मुझे लगता है कि मार्केट में प्रोजेक्शंस जो चल रहे हैं कि ह्युंडई अपना आईपीओ लेके आएगी 1265 से लेकर 1998 की रेंज में. एंड अगर ये 2000 से नीचे नीचे अपने आईपीओ का प्राइस बैंड लेके आती है तब तो दिस इज अ गुड आईपीओ, यू शुड अप्लाई फॉर इट. पर अगर ये 2000 से अबव लेके आते हैं तो देन इट वुड बी अ ओवरवैल्यूड आईपीओ आई मस्ट से. एंड इस आईपीओ का डेफिनेटली मार्केट कैप फॉर दिस वुड बी देन 1,02,800 to 1,61,000 crores. एंड एस्टिमेटेड इसका जो आईपीओ का साइज रहेगा इशू साइज दैट वुड बी समवेयर अराउंड $2.2 billion to $3.4 billion. सो इट वुड बी ह्यूज. एंड इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सब्सक्रिप्शन मिले. ऑलमोस्ट 40-50% इसका रेशियो रहेगा जो मुझे लग रहा है. अगर हम पी देखें तो हाईएस्ट पी इंडस्ट्री में रहा है 150.09 एंड लोएस्ट 30.32. तो इन्हें एवरेज 75.89 आ रहा है. तो अगर ये 2000 से ऊपर लेके आते डेफिनेटली इट वुड बी अ ओवरवैल्यूड आईपीओ. एंड लेट मी टेल यू, जितने भी अभी तक के मेजर जो बिग साइज इशू आए हैं, फॉर एग्जाम्पल SBI कार्ड, LIC, Paytm, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज थे. एंड इसमें से मोस्ट ऑफ देम SBI कार्ड तो लिस्टिंग के वक्त ही जो इशू प्राइस था उससे थोड़ा कम लिस्ट हुआ था. एंड अगर इमीडिएटली नहीं तब भी आफ्टरवर्ड्स ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं अगर बहुत बड़े आईपीओ है और ओवर वैल्यूएशंस पे आ रहे. Paytm इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स. सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट द वैल्यूएशंस. क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर का सीधा रीजन है आईपीओ लेके आने का है वो है कैश जनरेट करना. बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इट इन टू द कंपनी अगेन, वो अपने देश में अपने पास लेके जा रहे हैं इस पैसे को. तो वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट कर पाए इस आईपीओ के थ्रू. बाद में अगर कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रही है या शेयर प्राइस कम भी चला जा रहा है तो उन्हें डायरेक्टली इम्पैक्ट इतना नहीं होगा. मतलब जो उनका आईपीओ का पर्पस था वो तो सॉल्व हो जाएगा. और अभी इंडियन मार्केट्स में आईपीओ का एक यूफोरिया भी चल रहा है. सो माइट बी दिस इज द रीजन दे चोज दिस टाइम. सो यू हैव टू बी विजिलेंट. आई एम नॉट saying that you have to be 100% negative about this IPO, but I'm just trying to say कि you have to be vigilant. तो अभी Hyundai IPO something which everyone is like thinking कि ये this is gold mine, we should just dig it. तो you have to be careful. Coming on to the next part, which is industry outlook, which is again very important for a company to grow. But our auto sector का let me tell you, industry outlook is like very positive. So ये GDP का एक chart है कि how as compared to the world Indian GDP is expected to perform good, and that surely it is going to perform good. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. जो GDP growth trend and outlook है वो मैंने आपको कुछ charts के through समझाने की कोशिश करी, which is easy for you to understand. So we have taken CAGR and everything in this chart, and 2025 तक के projections हमने किए financial year. उसके बाद में because crude oil is very important for this sector particularly. तो क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ कैसे लिंक्ड है वो भी ट्रेंड हमने इस चार्ट पे दिखाया है. क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं एंड पैसेंजर व्हीकल्स में फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स होते हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है. सो अगर हम कंट्री वाइज पेनिट्रेशन देखें, US, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, जापान, UK, कोरिया, रशिया, मैक्सिको, ब्राजील, चाइना, इंडिया, फिलीपींस, अगर हम सब देखें तो इंडिया इज स्टिल द कंट्री जिसमें सबसे कम पैसेंजर व्हीकल्स का अभी तक पेनिट्रेशन हुआ है. यानी कि देयर इज अ लॉट मोर पोटेंशियल फ्यूचर में. एंड हम देख सकते हैं कि अभी एज कम्पेयर टू अदर एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज अभी इंडिया में फिर भी उतनी ज्यादा कार्स नहीं है. पीपल डू ड्राइविंग टू टू व्हीलर्स एज वेल. सो यस, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. अगर हम डोमेस्टिक पीवी सेल्स देखें तो द ग्रोथ रेट फ्रॉम 2021 टू 2024 एस्टिमेटेड इज CAGR 16%, विच इज क्वाइट गुड. अगर हम सेगमेंटल ग्रोथ आउटलुक देखें तो अभी 2024 YTD अगर हम देखें तो 50.3% आर SUVs एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज टिल 2029 प्रोजेक्टेड बाय 50, इट वुड बिकम 57-60%. सो 10% तक की ग्रोथ इस सेगमेंट में हो सकती है विच इज एक्सपेक्टेड. इनका जो फोटो है दैट इज SUVs एज आई टोल्ड इनिशियली इन द वीडियो. सो ग्रोथ परस्पेक्टिव तो बहुत है, ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, इंडस्ट्री का तो बहुत अच्छा है. हाउ Hyundai इज गोइंग टू परफॉर्म एंड हाउ एज एन इन्वेस्टर यू आर गोइंग टू बेनिफिट दैट हैज टू बी कैप्ट इन माइंड. तो इसमें वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेंगे एंड देन यू हैव टू बी विजिलेंट. मुझे पर्सनली अभी एट प्रेजेंट तो टाटा मोटर्स बहुत अच्छा लग रहा है.
सो नाउ लेट्स सी ये किस वैल्यूएशंस पे अपना आईक्यू लेके आते हैं. होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो. अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फर्दर चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए. थैंक यू सो मच.